जय हिंद दोस्तों, इस वक्त की काफ़ी दुखद खबर सामने आ रही है। बिहार के नवादा के रहने वाले चंदन कुमार अपने 5 साथियों के साथ आतंकी हमले में शहीद हो गए। उनके बलिदान की खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह भारतीय सेना में 5 साल पहले ही भर्ती हुए थे। जी हां दोस्तों, जम्मू क्षेत्र के पुंछ में सेना पर हुए आतंकी हमले में अपने 5 साथियों के साथ बलिदान को प्राप्त हो गए। नवादा की माटी के लाल चंदन कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। चंदन कुमार 89 आर्म्ड रेजिमेंट के जवान थे। वे देश की रक्षा करते हुए देश के लिए शहीद हो गए। नारो मुरारा गांव के मोलेश्वर सिंह और जयंती देवी के 3 संतानों में चंदन कुमार दूसरे नंबर के थे। उनके पिता गाँव में खेतीबाड़ी करते हैं। जवान चंदन कुमार की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई। 5 वर्ष पूर्व भारतीय सेना में भर्ती हुए। 1 साल पहले उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। उनके शहीद होने की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जैसे ही वीर बलिदानी के शहीद होने की खबर उनके पैतृक गांव पहुंची तो समूचे गांव में शोक की लहर छा गई। 2 दिन से किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ऐ वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को 1 लाइक 1 शेयर और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।